दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुजीत प्रयागराज से। दोस्तों आज हम ADS ग्रुप ऑफ कंपनी की एक बहुत ही खास अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे लेके पिछले अभी लगभग काफ़ी दिन से लोगों के बीच में क्वेश्चन बन रहे थे। हमारे पास भी कमेंट बॉक्स में काफ़ी हमारे चैनल पे क्वेश्चन आए कि सर ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ हमारा विड्रॉल कैसे निकलेगा बताएं। तो दोस्तों जिन्होंने भी KYC किया था और बैंक अकाउंट एडिट नहीं किया था उनका विड्रॉल अभी तक नहीं लग पा रहा था, तो लोगों का इनकम बन रहा था, वो परेशान हो रहे थे। आज हमारे पास वो सारी जानकारी आ चुकी है जो कि मैं आज आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि हम अपना विड्रॉल कैसे लगाएंगे अगर KYC करते हुए अपना बैंक अकाउंट डिटेल नहीं डाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही जानकारी प्रद होने वाली है जिससे आप खुद सीखेंगे और अपनी टीम को भी सिखाने में इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की और वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी हो और टीम को अच्छी तरह आप गाइड कर पाएँ। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको समय समय पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ADS ग्रुप ऑफ कंपनी का सारा अपडेट आप तक इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सबसे पहले हम चलेंगे अपनी ID पर जहाँ पर हमारा टॉपअप वैलेट, विड्रॉल वैलेट, शॉपिंग वैलेट, सारा कुछ हमारे जो वेबसाइट पे ओपन होता है। सबसे पहले हम अपनी ID पर चलेंगे। आपके सामने देख रहे हैं मैंने अपने ADS ग्रुप का सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो वहाँ पर जहाँ हम अपनी ID और पासवर्ड डाल के अपनी ID ओपन करते हैं, इनकम देखते हैं, उस ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे मैंने ग्रीन कलर का ऑप्शन लगा रखा है, लोगों ने अगर ऐड टू होम स्क्रीन कर रखा है तो अपने ऐड टू होम स्क्रीन के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे ऐसे ही लोगो आ जाएगा। अगर आपने ऐड टू होम स्क्रीन नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों अपने गूगल के क्रोम में जाइए, वहाँ ADS एक्सचेंज लॉगिन पे टच करिए और वहाँ पर लॉगिन का पेज खुलेगा। अपनी ID और अपना पासवर्ड डाल के और नीचे दो नंबर आएगा उसका जोड़ लिख दीजिएगा आंसर में और लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पे टच कर देंगे आपकी ID खुल जाएगी इस तरीके से जैसे कि आपके स्क्रीन पे खुला हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अपनी ID खोलने के बाद जैसे ही आपके सामने आपकी ID ओपन होती है आपके सामने लिखा हुआ जाता है योर KYC इज़ कम्प्लीट सक्सेसफुली ग्रीन कलर में, यानी आपकी KYC सफलतापूर्वक कम्प्लीट की जा चुकी है, वेरीफाई हो चुके हैं आप ADS ग्रुप ऑफ कंपनी के एक जेन्युइन मेंबर्स हैं। तो दोस्तों अभी जिन्होंने भी अपना बैंक डिटेल अपना KYC करते समय एडिट नहीं किया था, जिनकी डेली प्रतिदिन इनकम ऐड हो रही है उनके ज़रिए, उनके टीम के ज़रिए, तो दोस्तों उस इनकम को वो लेने के लिए, अपना विड्रॉल लगाने के लिए उनको बैंक डिटेल ऐड करना होगा। अभी तक वो ऑप्शन नहीं आया हुआ था, काफ़ी दिन से लोग हमारे पास क्वेश्चन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो उसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो ये बना रहा हूँ जिससे आपको इस वीडियो के अलावा दूसरा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल और साधारण तरीके का ये वीडियो है जिसको आपको भी आसानी से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों हम अपनी ID ओपन करने के बाद हल्का सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हल्का सा ऊपर जाएंगे, सॉरी ऊपर के बजाय लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर तीन लाइन बड़ी बड़ी लिखी बनी हुई है, चार लाइन छोटी छोटी बनी हुई ना बाएं हाथ में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड, उस चार लाइन पे टच कर देंगे। जैसे ही हम उस चार लाइन पे टच करते हैं हमारे सामने ये पेज खुल के आता है, आपकी ID का नाम लिखा रहेगा और आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। आप जिस भी चीज़ को चेक करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सामने दिखता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे खुल के आता है, अब इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हल्का सा इसको ऊपर की तरफ जो है स्लाइड करेंगे। जैसे ही हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे नीचे आपको प्रोफाइल्स पे जाना है, प्रोफाइल पे टच करेंगे और वहाँ सेकंड ऑप्शन एडिट बैंक लिखा हुआ है, यह ऑप्शन अभी तक नहीं था, हमें बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था जिसके कारण जो भी बैंक डिटेल नहीं ऐड किया है उसको विड्रॉल लगाने में बहुत असुविधा हो रही थी, वो परेशानी हो रही थी।
उनका अमाउंट निकल नहीं रहा था, उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इस बैंक डिटेल पे हमें टच करना है, बैंक एडिट बैंक के ऑप्शन पे हम टच कर देंगे। एडिट बैंक के ऑप्शन पे जैसे ही हम टच करेंगे हमारे सामने अपडेट बैंक इन्फॉर्मेशन का यह पेज खुल के आ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही अपना बैंक डिटेल ऐड किया हुआ था इसलिए मुझे जो हैगा बैंक डिटेल ऑलरेडी पड़ा हुआ आ रहा है। तो वहाँ पे हमें आपको जो आपने बैंक डिटेल नहीं डाली है तो आपको वहाँ पे अपना बैंक डिटेल और आईएफएससी कोड एडिट करना होगा। दोनों कॉलम आपका खाली दिखेगा और फर्स्ट कॉलम में अपना आप बैंक डिटेल डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर जैसे कि लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी बैंक है वो बैंक का अकाउंट नंबर ऊपर ऐड कर देंगे। फिर उसके नीचे बैंक आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड आप टाइप कर लेंगे। बहुत ही सावधानी से ये दोनों डिटेल फिलअप करनी है, नहीं तो फिर कोई भी अंक गलत आपने डाला तो आगे चल के फिर आपको असुविधा होने वाली है विड्रॉल लगाने में। तो दोस्तों एकदम सही सही अपना बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हमें एंटर कर देना है। फिर उसके नीचे अपना टीपिन डालना है। जो भी रजिस्ट्रेशन के समय हमें आईडी पासवर्ड और टीपिन मिलता है उसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन टीपिन का होता है, उस टीपिन के ऑप्शन पे हमें टच कर देना है और उस टीपिन के नंबर को यहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है इस कॉलम में जो टीपिन का लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे। वहाँ जैसे ही आप एंटर करके नीचे सबमिट अपडेट बैंक पे आप टच करेंगे, जो ब्लू कलर का नीचे अपडेट बैंक लिखा हुआ है उस अपडेट बैंक पे हमें टच करते ही हमारा अपडेट बैंक इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाता है, यानी बैंक का जो अकाउंट नंबर है आईएफएससी कोड हमारा अपडेट हो जाता है और एडिट में आपका कंप्लीट एडिट प्रोफाइल में कंप्लीट ईकेवाईसी हो जाती है, जिस माध्यम से आप जब भी विड्रॉल लगाएंगे तो आपका वहां पर आसानी से आपके खाते में पैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और विड्रॉल करने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि 20% का डिडक्शन होता है जो भी हमारा अमाउंट होता है, तो दोस्तों कम से कम आपके पास 650 रुपये 650 रुपये का अमाउंट होना चाहिए, जिसके कारण आपका अगर विड्रॉल आप लगाते हैं तो उसमें से 20% लेस होता है, लगभग आपका 500 कुछ रुपये आता है, 650 के लगभग आता है। तो लगभग आपका अभी कैलकुलेट करके देखते हैं तो 500 कुछ रुपये आता है, जिसके कारण आपका मिनिमम 500 रुपये विड्रॉल में होना चाहिए तभी आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जो हैगा अपनी अपने टीम को जो हैगा विड्रॉल लगाने में हेल्प कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और आसानी से आप भी अब आज के बाद अपना विड्रॉल आसानी से लगा पाएंगे, कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही सरल और आसान भाषा में आप तक ये वीडियो जैसे मैं बना के दे रहा हूँ ऐसे ही आगे भी सारी अपडेट आसान तरीके से आप तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय डीएस।